शांति। आज की तारीख है 22/4/2023, 22 अप्रैल 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब ये कहें, ये तो जैसे एकदम देवता है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर शिव बाबा से लेना है? उत्तर, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाबा जो श्रृंगार कर रहे हैं, जो ज्ञान रंगों से, ज्ञान गुणों से हम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका रिटर्न देना है। बाबा का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो, जिनका स्वभाव देवताई हो। बाबा ने कहा अपने आप को ऐसा मीठा और शांत बनाओ जो कोई देखे तो क्या ये तो जैसे देवता है। ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो, ऐसे बच्चों को बाबा भी इजाफा देते हैं, खातरी करते हैं ऐसे बच्चों का, विशेष बाबा ध्यान रखते हैं, उनको विशेष प्यार रख करते हैं, खातरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं। गीत है आज की मुरली से, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी बोलचाल बहुत मीठी रखनी है। अपनी बोलचाल बहुत मीठी रखनी है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं, देवताओं जैसा स्वभाव रखना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, बाबा की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है, बाबा की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान है आज की मुरली से, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाबा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। ये नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोकों की सैर भी करते रहेंगे। अब बाबा ने कहा आज बच्चों से, बुद्धि रूपी विमान का स्विच ऑन करो, सीधे परम धाम पहुँच जाओ, बाबा के पास अपने घर में, उस शांति धाम में बाबा से सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की किरणों को स्वयं में भरो। तो बाबा ने कहा चंद्रमा की चांदनी लो, सूर्य की किरण लो बाबा से, और पहले उसके लिए सबसे पहला नशा रखना है, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। स्लोगन है आज की मुरली से, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान, जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो ये जो श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान है, इसी के द्वारा ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींची जा सकती है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परम धाम में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे, बुद्धि रूपी विमान का स्विच ऑन करके बार बार अपनी बुद्धि को खींचकर आप शांति धाम अपने घर ले जाएंगे, और बाबा से बीच बीच में एक मिनट दो मिनट को थोड़ा सा ब्रेक लेके जब भी फ्री हूँ, परम धाम में बुद्धि को स्थिर करके बाबा से शक्तियों की, सुख की किरणों को अपनी आत्मा में समाएंगे। एक मिनट के लिए इस चारों ओर की दुनिया से बुद्धि हटा, स्थिर करेंगे उस परमात्मा की ओर। निराकार स्वरूप में मैं निराकार आत्मा, प्रकृति के मत ध्यान केंद्रित करें।
मैं सृष्टि का केंद्र हूँ। इस सृष्टि पर शांति, सुख, प्रेम, आनंद की दिव्य किरणें, के दिव्य संकल्प के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है। मैं आत्मा इस देह से निकल उड़ चलती हूँ आज ऊपर की ओर। मैं आत्म पंछी अपने घर जहाँ से मैं आत्मा आई थी शांति के धाम में अपने पिता के समक्ष परमात्मा शिव से शांति की किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। आत्मा शांत स्वरूप बन गई, शांति से भरपूर हो गई। शांति सागर के समक्ष में शांति चारों ओर फैलाते हुए परम धाम से परमात्मा शिव और मैं आत्मा इस संसार को शांति की किरणें दे रहे हैं। चारों ओर सृष्टि में शांति है शांति, शांति है शांति। ओम शांति।